हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है HDFC बैंक की तरफ से। बम्पर नंबर की सीट पे न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट इसलिए बोला क्योंकि टोटल पोस्ट आपका 12,375 यानी 13,000 के अप्रॉक्स सीट पर आपकी वैकेंसी रहेगी। टोटल आपका 14 टाइप के पोस्ट रहेंगे। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि अप्लाई डेट क्या है। 24 अप्रैल से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 28 मई रहेगा। इसको अप्लाई करने का जो लिंक है ना, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है और उसका बाकी डिटेल्स भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म का फी क्या रहेगा। कोई फी नहीं रहेगा, सभी कैंडिडेट विदाउट फी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट एज ऑन 24th of April 2024, मतलब 24 अप्रैल 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 45 वर्ष, ये पोस्ट वाइज आपका डिफर करता है। रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 इयर्स का एंड SC/ST को 5 इयर्स का। आगे इसके सारे डिटेल्स जानने से पहले ये देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन का, सेकेंड है एनालिटिक्स के लिए, थर्ड आपका असिस्टेंट मैनेजर, फोर्थ ब्रांच मैनेजर, फिफ्थ है बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट, सिक्स्थ PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, सेवेंथ क्लर्क की पोस्ट होगी, एट्थ आपका कलेक्शन ऑफिसर, नाइन्थ पोस्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। कस्टमर्स के साथ क्या रिलेशनशिप मैनेज करना होता है उसकी CSR की पोस्ट होती है। फाइनेंस मैनेजर, मैनेजर अकाउंटेंट, IT मैनेजर एंड हेड ऑफ ऑपरेशन, टोटल आपका 14th पोस्ट रहने वाले हैं। तो इन पोस्ट के बारे में चलिए आगे बाकी की डिटेल को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन, अब आपको पता है कि इतना सारा तरह का पोस्ट है तो अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रहेगा पोस्ट वाइज। 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएट है, सभी पास जो कर रखे हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी सुनहरा मौका रहने वाला है। अब इसके लिए सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिर्फ दो स्टेज से गुजरना होगा। पहले स्टेज पर जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, तो मैं जो लिंक आपको डालूंगी टेलीग्राम से, वहां से आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। उसके बाद आपको मेल पे कॉल लेटर जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो फिर आप इंटरव्यू में आओगे। पर्सनल इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग होगा तो जॉब आपका ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है। आगे सैलरी में बता देती हूँ आपको सैलरी क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि HDFC बैंक प्राइवेट बैंक है, बट एक बहुत इंडिया का बहुत बड़ा बैंकिंग आपका इसका है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बैंकिंग के सेक्टर में। इसमें सैलरी आपको बहुत अच्छी दी जाती है, 22,000 से शुरुआत होती है और 1,05,000, मतलब कि अलग अलग पोस्ट के लिए देख सकते हैं इतने टाइप का पोस्ट है, तो सैलरी आपका 1,00,000 तक मिलता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो कि खुद से अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा समय लग सकता है, पर अगर इधर आप सेलेक्ट हो जाते हो, सैलरी अच्छी मिलती है, तो फिर आप आगे अच्छी तैयारी कर पाओगे। आई होप इसके रिगार्डिंग सारा डिटेल आप समझ गए होंगे। अब भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके माइंड में तो कमेंट करिएगा, वहां पर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।